गाजियाबाद कोर्ट परिसर में तेंदुआ मिलने से हड़कंप मच गया, जहां पर तेंदुए ने लगभग 5 से 6 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया और वहां की स्थिति बहुत ही भयानक बनी हुई है। लोगों में भगदड़ जैसा माहौल बना हुआ है। गाजियाबाद के कोर्ट परिसर में आज एक तेंदुआ निकला। अभी लगभग शाम के 4 से 5 बज चुके हैं और कोर्ट परिसर में सभी वीवीआईपी और वकील और जज लोग मौजूद थे। देखा जा रहा है कि लगभग काफी भयानक स्थिति देखने वाली ये होगी कि काफी अभी भगदड़ मची थी। वकील लोग भागने की कोशिश, बचाव करने की कोशिश की जा रही है। लगभग 4 बजे की घटना है और 4 से 5 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें अधिवक्ता और वकील लोग भी घायल हैं। वीवीआईपी में ये बड़ी चूक है। देखने वाली बात होगी कि गाजियाबाद न्यायालय में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। गाजियाबाद का राजनगर एरिया पॉश एरिया है, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे हुई। अभी तक कोई वन विभाग की टीम को यहाँ मौजूद नहीं है। अभी तेंदुए को पकड़ा नहीं गया है। क्या घटना थी अभी? घटना ये है कि अचानक से तेंदुआ कोर्ट परिसर के अंदर आ गया लगभग 3 बजे के आसपास, और काफी लोगों को यहाँ पे उसने घायल किया है। घायलों की स्थिति 4 से 5 बताई जा रही है। 4 से 5 है, जिसमें हमारे 2-3 अधिवक्ता साथी भी हैं, क्लाइंट भी हैं। लगभग हम लोग कचहरी में ही थे, तभी लिफ्ट के ऊपर इसने हमला करा। हम लोग लिफ्ट में थे और हम लोग अंदर थे 8 जने। जब शोर मचा तो ये बजाय हम पे हमला करने के पीछे हो गया। जब इतना शोर सुना तो फिर हम लोग वहां से निकले सब लोग। फिर इसने एक लड़का पुलिस का काम करता है उसके ऊपर हमला करा, उसे बुरी तरह से फाड़ दिया। बड़ी चूक मानी जा रही है। असल में हमें ऐसा लगता है कि ये रात के समय आया है, क्योंकि दिन में इतनी भीड़ भाड़ होती है, अगर आता तो लोग देखते इसे। हम लोग जिला जज की कोर्ट से निकले थे, वहाँ की ये घटना है। उसके बाद इसने 2 अधिवक्ता साथियों पे हमला करा, फिर 2 पुलिस वालों पे हमला करा, और लगभग 9 लोग अब तक इंजर्ड हो चुके हैं। कैजुअल्टी किसी तरह की इंजर्ड बता रहे हैं, कैजुअल्टी क्या लग रहा है? इतनी भारी कैजुअल्टी है कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। सर्वोदय से उन्हें यशोदा में शिफ्ट करना पड़ा। कितने लोग? लगभग 9 लोग घायल है। अभी कुछ संख्या बढ़ सकती है? हाँ, जिस तरह से अब समय लग रहा है, अगर जाल इतना मजबूत जाल नहीं है वो, अगर जाल टूट गया ट्रैंक्विलाइजर के इस्तेमाल से पहले, तो बहुत भारी कैजुअल्टी होने की संभावना। बिल्कुल लापरवाही दिखा रहा है वन विभाग की। कोई टीम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कई वकील इंजर्ड हो चुके हैं और आप देख सकते हो चारों माइक क्या अफरी तफरी का माहौल बना हुआ है। वकील में काफी रोष से कहते हैं कि काफी लोग इंजर्ड हो चुके हैं और अफरा तफरी का माहौल है। 4 से 5 घंटे लोग बता रहे हैं, क्योंकि लगभग 5:30 बज चुके हैं और 3 से 3:30। देखिए नहीं, लाइव मुलाकात हुई है भैया। अच्छा, टाइगर से? टाइगर से जी। तो क्या हुआ था सर? कुछ नहीं, एक बंदे को उसने चाप रखा था और मैं उसको राइट हैंड से खींच रहा था, वो अपनी तरफ खींच रहा था, मैं अपनी तरफ। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा नाम है। राहुल शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि शेर उन्हें तेंदुआ अपनी तरफ खींच रहा था और राहुल शर्मा ने बहादुरी दिखाते हुए उन्हें अपनी तरफ खींचा। कहाँ से राहुल शर्मा? लोनी सवापुर गाँव। किस लिए आए थे यहाँ पे? मेरी तारीख थी सर। अभी तक कोई वन विभाग मौजूद नहीं है, अभी तेंदुए को पकड़ा नहीं गया है। गाजियाबाद से मोहित नागर की रिपोर्ट, कैमरामैन रोहित भारती के साथ। धन्यवाद।